हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस में। एक बार फिर से गाइस बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज़ हुई दो बड़ी फिल्में, चल मेरा पुत 3 और दूसरी फिल्म है गाइस मूसा जट। ये दोनों फिल्में काफ़ी बड़ी हैं और आपस में क्लैश कर रही हैं, सही बताऊँ तो गाइस सही मायनों में, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई और एक ही दिन रिलीज़ हुई। और ख़ास बात ये है गाइस कि दोनों ही पंजाबी फिल्में हैं, तो बहुत तगड़ा क्लैश चल रहा है दोनों फिल्मों के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं गाइस मूसा जट को लेकर, जिसमें कि लीडिंग कास्ट में नज़र आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, और इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है दो लोगों ने मिलकर, और डायरेक्टर्स के नेम है गाइस कुशपाल सिंह और दिलशेर सिंह। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, जिसको कि बनाया गया है एस्टिमेट 8 से 10 करोड़ के बजट पर। अगर बात करें फिल्म की लीडिंग कास्ट को लेकर, तो आपको बता दूँ फिल्म में लीडिंग कास्ट में नज़र आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, महावीर भुल्लर और याद ग्रेवाल लीड रोल्स में। गाइस फिल्म काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर बात करें इस फिल्म के जैनर को लेकर, तो आपको बता दूँ ये एक एक्शन जैनर की फिल्म लग रही है, जिस हिसाब से पोस्टर्स निकल कर आ रहे हैं। अगर बात करें भाई कि ये फिल्म पहले दिन क्या कलेक्शन कर रही है, तो आपको बता दूँ कहीं ना कहीं ये फिल्म ना चल मेरे पुत 3 से काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन। अपने ओपनिंग पर इस फिल्म ने ना जो कलेक्शन किया वो है गाइस 1 से 2 करोड़ रुपए का, जो कि आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है, वो भी क्लैश होने के बावजूद। और आपको बता दूँ ये अभी तक का सबसे हायर ग्रोसर कलेक्शन रहा पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो हाईएस्ट रहा था इससे पहले वो था 1.25 करोड़, जो कि कलेक्शन किया था किस्मत 2 ने एमी विराक स्टारर। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस। अगर आपने मूसा जट फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइज ये काफ़ी अच्छी फिल्म बताई जा रही है और इसको लेकर पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आ रहे हैं पब्लिक की तरफ से, इसीलिए मैंने पूछा और मैं आपको बता रहा था इस फिल्म के बारे में। वहीं गाइज बढ़ते हैं अब लिस्ट की दूसरी फिल्म, यानी कि चल मेरे पुत 3 को लेकर, जो कि गाइज इस फिल्म फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट है और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बात करें लीडिंग कास्ट को लेकर, तो आपको बता दूं इस फिल्म में लीडिंग कास्ट में नज़र आ रहे हैं अमरिंदर गिल, सिमी चहल और गैरी संधु। गाइस फिल्म काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी से भरपूर है, जिसे कि डायरेक्शन दिया है जंजोत सिंह ने। और बात करें अगर फिल्म के बजट को लेकर, तो आपको बता दूं गाइस इस फिल्म का बजट है 8 से 10 करोड़ रुपये नॉर्मली। गाइस एक चूतिए ने मुझसे बताया कि भाई इसका बजट 2 करोड़ है। भाई मैं आपको बता दूं 2 करोड़ बस इसका प्रोडक्शन बजट है, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे खर्चे हुए हैं, जैसे कि स्टारकास्ट की फ़ीस खासतौर पर, जिससे कि इस फिल्म का बजट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अमरिंदर गिल ना एक फिल्म को करने के कम से कम 5 से 6 करोड़ की फ़ीस चार्ज करते हैं नॉर्मली, तो आप सोच सकते हो यार कि इस फिल्म का जो बजट है आराम से 8 से 10 करोड़ होगा। अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, तो आपको बता दूं गाइस ये फिल्म ना इंडिया नेट से कलेक्शन अपने पहले दिन कर रही है 1 करोड़ और 20 लाख रुपए का, जो कि वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। और वहीं ओवरसीज़ मार्केट से ये गाइस 30 से 25 लाख का कलेक्शन कर रही है, जिसके बाद इस फिल्म का ओवरऑल पहले दिन का जो कलेक्शन हो गया है वो हुआ गाइज लगभग 1.5 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं ये मूसा वाले जट से पीछे है कलेक्शन करने के मामले में। गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।